हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल न्यू महिंद्रा XUV 3XO के सेकंड बेस मॉडल यानी कि MX2 सीरीज के बारे में, जिसका प्राइस है 9,99,000 एक्स शोरूम प्राइस। अब इस प्राइस पॉइंट पर और इस मॉडल के अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स महिंद्रा ऑफर कर रहा है, इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। यानी कि क्या आपको यहाँ पर इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, कौन कौन सा ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है, कौन कौन से कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। यानी कि MX2 सीरीज के डिटेल के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग ये वाला मॉडल कंसीडर कर रहे हैं तो आपको यहां पर क्या कुछ मिल जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ऑटो जागरूक यूट्यूब चैनल। हम इस तरह के कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कॉन्टेंट यूट्यूब पर अभी तक किसी ने भी अपलोड नहीं किया है। तो स्ट्रेट बात करते हैं MX2 सीरीज के बारे में। सो दोस्तों, ये जो MX2 सीरीज है ना, इसका प्राइस है 9,99,000 एक्स शोरूम प्राइस और ये सेकंड बेस मॉडल है। इससे नीचे वाला जो मॉडल है MX1, वहां पर आपको सिर्फ पेट्रोल मिलता है, और जो MX2 मॉडल है यहां पर आपको सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन ही अवेलेबल मिल जाता है। तो स्ट्रेट बात करते हैं इसके इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन के बारे में। अब ये वाला जो मॉडल है यहां पर आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा, जो कि है 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन विद CRDE। अब यहाँ पर ना आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ऑप्शन ही अवेलेबल दिया जा रहा है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलता। साथ ही यहाँ पर आपको जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 116 PS और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, पेट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलता। अब बात करते हैं इसके कलर ऑप्शंस के बारे में। इस मॉडल के साथ में यानी कि MX2 मॉडल के अंदर आपको 7 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जबकि जो MX1 सीरीज थी वहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही कलर ऑप्शंस मिलते थे। अब MX2 सीरीज होने की वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो कलर ऑप्शंस जो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं वो है 7 कलर ऑप्शंस। यहाँ पर आपको डीप फॉरेस्ट, ड्यून बेज, एवरेस्ट वाइट, गैलेक्सी ग्रे, नेबुला ब्लू, स्टेल्थ ब्लैक और टैंडो रेड, ये 7 कलर ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जो कि सिंगल टोन है। डुअल टोन ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलते। सो अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। मैं आप लोगों को इन ब्रीफ बता दूं, पहले ही डिटेल में मैं आगे बात करूंगा कि इस मॉडल के अंदर ना बेसिकली जो अपग्रेड किया गया फ्रॉम दी MX1 सीरीज यानी कि बेस मॉडल से, वो इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए किया गया है, जहां पर आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल मिल जाता है। बाकी और एक दो फीचर्स हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बाकी और सारे फीचर्स आपको MX1 वाले मिल जाते हैं। फिर भी बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर एक्सटीरियर कैसा मिल जाएगा और इंटीरियर कैसा मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो अगर आप इसका एक्सटीरियर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बाय हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। एक ही प्रोजेक्टर मिलेगा जो कि बाय बीम के साथ होगा, हाई बीम और लो बीम उसी के अंदर काम करेगी। साथ ही यहाँ पर आपको LED सिग्नेचर लैम्प मिल जाते हैं, जिसके साथ में जो फ्रंट टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर LED जो है वो ऑफर की जाएगी, जो कि एक आपको DRL जैसा लुक देगी, बट ये DRL नहीं होगी। जो DRL है वो आपको MX3 Pro मॉडल से अवेलेबल कराई जाती है। मैं आपको एज पर ब्रोशर एग्जैक्ट डिटेल्स बता रहा हूँ, क्योंकि जो DRL है वो ऑलरेडी मेंशन है कि MX3 Pro से मिलेगी। तो यहाँ पर DRL को फॉर्म करते हुए एक LED बल्ब मेरे हिसाब से वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर और अदर चीज़ें नोटिस करते हैं तो फ्रंट में आपको जो ब्लैक पियानो फिनिश है वो यहाँ पर ग्रिल मिल जाएगी, जिसके ऊपर आपको क्रोम जो लाइनिंग है वो ऑफर की गई है। साथ ही यहाँ पर जो महिंद्रा का लोगो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड अगर आप एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे इसके हेडलैम्प क्लस्टर के अंदर, कि यहाँ पर आपको फॉग लैम्प यूनिट ऑफर नहीं की गई है। अब ये जो फॉग लैम्प यूनिट है ना, वो आपको जो अपर वेरिएंट्स है सिर्फ वहाँ से मिलते हैं, जहाँ पर कॉर्निंग फंक्शन भी मिल जाता है। नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो बड़ी ग्रिल ऑफर की गई है, लाइसेंस प्लेट के पीछे लोअर ग्रिल और उसके नीचे आपको जो स्किड प्लेट है वो भी ऑफर कराई गई है। जब आप साइड लुक से इस कार को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ना 16 इंचेस के जो स्टील व्हील्स हैं वो ऑफर कराए गए हैं, यानी कि किसी भी टाइप का जो व्हील कैप है वो यहाँ पर ऑफर नहीं कराया गया, स्टील व्हील यहाँ पर ऑफर करा दिए गए हैं। उसके बाद में अगर आप और अदर चीज़ें देखेंगे तो जो डोर हैंडल है वो आपको बॉडी कलर्ड मिल जाएंगे। ए पिलर, बी पिलर आपको ब्लैक मैटिन फिनिश के साथ में मिलेगा। एंड जो सी पार्ट है, यानी कि अगर आप देखेंगे इसका रियर क्वार्टर ग्लास, तो वहाँ पर आपको जो सॉर्ट ऑफ पियानो वर्क है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ ही अगर आप इसका ओवरव्यू देखेंगे
करेंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में और जो टर्न इंडिकेटर है वो भी यहाँ पर ऑफर कराया गया है। ऊपर की साइड में आपको पोल एंटेना मिल जाता है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो व्हील आर्चेस के ऊपर आपको जो क्लैडिंग्स है वो ऑफर की जा रही है। जब आप इसका रियर लुक देखेंगे तो यहाँ पर आपको पोल एंटेना मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है, LED टेल लैम्प्स यहाँ पर ऑफर कराए गए हैं, महिंद्रा का लोगो एंड XUV 3XO की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी। कनेक्टेड सेटअप आपको यहाँ पर ऑफर नहीं कराया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर गार्निश है वो ऑफर की गई है। उसके बाद में बॉडी कलर्ड बम्पर मिलता है जिसके साथ में आपको एक स्पोर्टी लुक देने के लिए ना ब्लैक पार्ट यहाँ पर दिया गया है, रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिल जाता है, स्किड प्लेट यहाँ पर मिल जाती है, तो कुछ ऐसा आपको लुक रियर में और इसके एक्सटीरियर के साथ में ऑफर कराया गया है। सो ये तो बात हो गई इसके एक्सटीरियर की, अब बात करते हैं इंटीरियर की। मैं आप लोगों को फीचर्स बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा, आइसोफिक्स मिलेगा, साथ ही यहां पर आपको इंजन स्टार्ट ऑफ फीचर भी ऑफर किया जा रहा है, स्मार्ट स्टेयरिंग मोड्स मिल जाएंगे यानी कि स्टेयरिंग मोड्स आपको बेस मॉडल से अवेलेबल मिल रहे हैं। यहां पर आपको फ्रंट और रियर में पावर विंडोज मिल जाएंगी, पावर विंडो जो ड्राइवर साइड वाली होगी वो ऑटो यानी कि वन टच डाउन फीचर के साथ में होगी, फ्रंट आर्मरेस मिलेगा स्टोरेज स्पेस के साथ में, रियर की जो सीट है वो आपको 60-40 की स्प्लिट सीट मिल जाएगी, रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, फ्रंट USB आपको ए पोर्ट के लिए मिलेगी और रियर में जो USB है वो टाइप सी और 12 वोल्ट का एक अडेप्टर सॉकेट भी मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे सेकेंड रो के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रम्पेट हॉर्न जो ट्रम्पेट हॉर्न है जिसके लोग काफ़ी ज़्यादा फैन होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल ऑक्यूपेंट्स मिलेंगे, फ्रंट हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स यानी कि जो सीट बेल्ट्स होंगी वो हाइट एडजस्टेबल होंगी फ्रंट रो के लिए, 3-point सीट बेल्ट्स होंगी सारे पैसेंजर्स के लिए। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं और ये अभी तक जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं ना ये सारे आपको बेस मॉडल के अंदर मिलते हैं जो कि यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं MX-1 मॉडल से। अब बात आती है कि यहाँ पर आपको कौन कौन से फीचर्स अपग्रेडेड मिलते हैं इस मॉडल के अंदर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं वो है 26.03 सेंटीमीटर की इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले यानी कि टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। बेस मॉडल के अंदर आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता बट यहां पर आपको 26.03 सेंटीमीटर की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहां पर ऑफर कराए जा रहे हैं, रिमोट कीलेस एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी, साथ ही फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर 5 फीचर्स का जो अपग्रेड है वो देखने के लिए मिल जाएगा इस मॉडल के साथ में। अब एक चीज आप याद रखना कि यहाँ पर ये वाला जो मॉडल है वो 10 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट करता है और अगर आप बेस मॉडल से कंसीडर करेंगे तो ओवरऑल 2.5 लाख रुपए ज़्यादा है। अब वो 2.5 लाख रुपए इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि बेस मॉडल सिर्फ आपको नॉर्मल पेट्रोल के साथ में मिलता है बट ये आपको डीजल के साथ में मिलता है। तो ये वाला जो MX-2 मॉडल है अगर आप लोग डीजल लेना चाह रहे हैं तो MX-2 मॉडल ही आप लोगों के लिए बेस मॉडल रहने वाला है जिसका प्राइस है 10 लाख रुपए। सो दोस्तों ये था मेरे तरफ से एक अपडेट रिगार्डिंग दी ऑल न्यू महिंद्रा XUV 3XO MX-2 मॉडल। ऑलरेडी हम MX-1 सीरीज़ की जो वीडियो है वो ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, इफ़ इन केस अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि अभी तक किसी ने भी ये अपडेट YouTube पर आप लोग से शेयर नहीं किया है। सो इस एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए लाइक ज़रूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि और भी अदर जो अपडेट्स हैं XUV 3XO के बारे में वो आने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।